जगह जगह जाकर चूड़ी का व्यापार किया करता था। अपनी बीवी को अकेला छोड़कर वो गांव गांव घूमकर अपना काम किया करता था। इस तरह एक दिन जब राजू घर से व्यापार के लिए निकल रहा होता है तो अपनी बीवी से कहता है, अरे सुनती हो सुनीता, जरा मेरी टिफिन पैक कर दो, मैं बाहर ही कहीं बैठकर खा लूंगा, अब मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। जरा ठहरो, मैं अभी तुम्हारा टिफिन पैक करके लाती हूँ। थोड़ा जल्दी करो, मुझे नदी भी पार करनी होती है। टिफिन लेकर राजू चूड़ी बेचने निकल जाता है। बेचारा राजू के पास कुछ आने जाने का साधन नहीं था, जिस कारण वो नदी तैर कर दूसरे गांव जाया करता था। रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, आओ आओ, नई नई चूड़ियाँ ले लो। ओ भाई साहब, इधर तो आओ, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ चाहिए। जी बहन जी, अभी आता हूँ। अरे भाई साहब, आपके पास तो बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ हैं, मुझे भी दो दर्जन चूड़ियाँ दे दो। राजू की सारी चूड़ियाँ इस तरह से धीरे धीरे गांव भर में बिक जाया करती थी। इस तरह वो रोज चूड़ियाँ बेचकर पैसे कमाया करता था। एक दिन जब राजू फेरी करके घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। अरे सुशीला, क्या हो गया, तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे बिगड़ गई? पता नहीं जी, जब मैं खाना बना रही थी तब मैं बेहोश हो गई और मेरी तबीयत खराब हो गई। बेचारा राजू इलाज के लिए अपनी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर राजू से कहते हैं, इनकी तबीयत तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, इनके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, आप इलाज कीजिए, मैं पैसे जमा करता हूँ। बेचारे ने जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे के सारे पैसे अपनी पत्नी के इलाज में लगा देता है, जिसके कारण उसके पास अब जरा भी पैसे नहीं बचे थे। राजू अपनी बीवी का इलाज कराकर उसे घर ले आता है और फिर वो सोच में पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जो भी पैसे मैंने कमाए थे वो तो मेरी बीवी के इलाज में ही खत्म हो गए। अब मुझे फिर से चूड़ियां बनाकर बेचनी होगी, पर फिर घर पर मेरी बीवी को कौन देखेगा? बेचारा पूरी रात मेहनत करके चूड़ियां बनाता है और सुबह होते ही पैसे कमाने के लिए वो गांव भर में चूड़ियां बेचने निकल जाता है। आइए आइए, रंग बिरंगी चूड़ियां खरीदिए, हई पीली नीली लाल गुलाबी चूड़ियां खरीदिए, आइए आइए। अरे भाई साहब, मुझे तो दर्जन चूड़ियां दे दो, मुझे भी एक दर्जन चूड़ियां दे दो। ठीक है बहन, ये लो। राजू सारी चूड़ियां बेचकर अपने घर निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी सुशीला से कहता है, अरे सुशीला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। अरे मैंने सुना है कि पास के गांव में एक मेला लगा हुआ है, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो हम दोनों मेला घूमने चलते हैं, आज मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। ठीक है चलो। अगली सुबह राजू और सुशीला मेला देखने के लिए जाते हैं। मेला देखने के लिए उन्हें नदी पार करनी होती है। वो नदी पार करके मेले में पहुंच जाते हैं, जहां सुशीला राजू से कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ा मेला है, मैंने तो ऐसा मेला अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ सुशीला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये बहुत बड़ा मेला है, चलो अब हम दोनों मेले में मजे कर लेते हैं। और इस तरह दोनों एक साथ मिलकर मेला घूमते हैं। फिर सुशीला को भूख लगने लगती है। अजी सुनते हो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं। हाँ मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों एक दुकान में कचौड़ी खाने चले जाते हैं। राजू कचौड़ी वाले को देने के लिए पैसे निकालता है, तभी एक चोर उसके सारे पैसे छीनकर भाग जाता है। राजू उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो चोर को नहीं पकड़ पाता। उनके पास और पैसे ना होने के कारण वो दोनों भूखे रह जाते हैं। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है, जो पैसे मैं लाया था वो तो वो चोर छीन कर भाग गया। आप रो मत जी, हम दोनों मिलकर फिर से पैसे कमा लेंगे। अब छोड़ो, हमें मेले से घर वापस जाना होगा, शाम होने को है। राजू और सुशीला दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। सुशीला को रास्ते में बहुत जोरों की भूख लगती है और सुशीला राजू से कहती है, अजी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, अब हम दोनों क्या करेंगे, हमारे पास तो पैसे भी नहीं कि कुछ खरीद कर खा ले। क्या करें सुशीला, हमारी किस्मत में गरीबी ही लिखी हुई है। ये बोलते बोलते दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं और सुशीला राजू से कहती है, भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ खाने को तो नहीं, एक काम करती हूँ, ये नदी का पानी ही पी लेती हूँ, पानी पीकर शायद भूख मिट जाए। हाँ
जाओ पानी पी लो, फिर हम घर चलते हैं। सुशीला जैसे ही नदी का पानी पीती है वैसे ही वो पानी एक रोटी में बदल जाता है और सुशीला देखकर चौंक जाती है और कहती है, अजी सुनते हो, ये देखो मैं तो नदी से पानी लाई थी, वो पानी तो एक रोटी बन गया। ऐसा कैसे हो सकता है, पानी रोटी कैसे बन सकता है? राजू सोच में पड़ जाता है। वैसे ही नदी से एक जलपरी निकलती है और कहती है, यार सुशीला तुम डरो मत, ये जादुई पानी की रोटी है, तुम्हारा धन्यवाद। मुझे किसी ने श्राप दिया था कि मैं तब तक पानी में दबी रहूंगी जब तक कोई ईमानदार इंसान इस नदी के पानी को नहीं पीता, और आज तक मैंने इंतजार किया, आखिर वो दिन आ ही गया और मैं वापस जलपरी बन गई, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हारी भूख मिटाने के लिए तुम्हें इस पानी से रोटी बना कर दे दी। क्या आप सही कह रहे हो कि जादुई पानी की रोटी है? हाँ, और अब तुम्हें इस जादुई पानी की रोटी से कभी भी कुछ भी मदद मिल सकती है, तुम इससे अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। तुम इस जादुई पानी की रोटी से कुछ भी मांगोगे वो पूर्ण हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हम दोनों को एक जादुई पानी की रोटी मिली जिससे हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और कभी भी अपने मन में लालच न लाना। जलपरी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और राजू सुशीला दोनों इस जादुई पानी की रोटी से अपनी अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस तरह राजू को अब चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं थी, उस जादुई पानी की रोटी से राजू और सुशीला बहुत अमीर बन गए थे और दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। ये कहानी सीमा नाम की लड़की की है। सीमा अपनी दादी कमला और पापा रमेश के साथ रहती है। उसकी माँ का निधन उसे जन्म देते समय ही हो गया होता है। बचपन से उसकी दादी और पापा ने पाला होता है। एक दिन रमेश काम के सिलसिलों में बाहर गया होता है और जब वो लौट कर आता है तो उसके साथ एक लड़की होती है जिसे देखकर, बेटा ये कौन है? माँ ये तेरी बहू अनामिका है, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और हम दोनों ने शादी कर ली। कमला को अनामिका पसंद नहीं आती है क्योंकि वो उम्र में रमेश से काफी छोटी होती है। वो कमला को बहुत चालाकती है। कमला उस समय तो कुछ नहीं कहती है, वो दोनों का स्वागत करके दोनों को घर में ले आती है। अगले दिन, बहू चाय तो दे दे, आवाज सुनकर अनामिका अपने पति रमेश से कहती है, रमेश मुझे बहुत थकान हो रही है, क्या तुम चाय बना लोगे? मैं थोड़ी देर में उठकर बाकी का काम कर लूंगी। ठीक है, तुम आराम करो। रमेश चाय बनाकर अपनी माँ को देता है। उसे चाय देते हुए देखकर, बेटा अनामिका कहाँ है, तूने चाय क्यों बनाई? माँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर बस आते ही इस लड़की का नाटक शुरू हो गया। न जाने इसने कैसे मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा लिया। उसके कुछ दिनों बाद रमेश ऑफिस के काम से एक महीने के लिए बाहर चला जाता है। कमला पूजा करने मंदिर चली जाती है। सीमा घर में अकेली होती है। अनामिका सीमा से घर का सारा काम करा रही होती है। तभी कमला पूजा करके लौट आती है। अपनी पोती को काम करता देखकर, बहू ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची से काम कराते हुए? तो क्या हुआ, थोड़ा काम कर लिया तो घिस नहीं जाएगी? एक बात और, अब से तुम दोनों को यही घर का सारा काम करना पड़ेगा, मुझसे ये काम नहीं होगा। कमला और सीमा मजबूरी में घर का सारा काम करने लगती है। कुछ ही दिनों में कमला काम करने की वजह से बीमार हो जाती है। अब अनामिका दोनों को खाना देना भी बंद कर देती है। ये सब देखकर एक रात सीमा अपनी दादी के साथ कहीं और चली जाती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसे एक और बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सीमा उसके पास जाती है और, दादी आप यहाँ क्यों बैठी हो? बेटी मेरा यही काम है, मैं रात को ऐसे ही घूमती हूँ, पर तुम और तुम्हारे साथ ये कौन है और तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? सीमा बूढ़ी औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। तीनों बातें करते हुए पूरी रात बिता देते हैं। अगली सुबह जब सीमा और कमला उठते हैं तो देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं है। उन्हें ना देखकर, दादी वो रात में जो दादी थी वो कहाँ गई? पता नहीं बेटी, वो कहाँ गई? दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी सीमा की नज़र उसके पास रखे आलू नाव पर पड़ती है, जिसे देखकर, दादी ये आलू का नाव कहाँ से आया? लगता है कल रात जो बूढ़ी औरत थी ये आलू नाव उसका ही होगा। एक काम करते हैं, इसे हम अपने पास रख लेते हैं,
अगर वो बूढ़ी औरत हमें मिली तो हम उन्हें ये लौटा देंगे। ऐसा कहकर वो दोनों बातें करते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाती है। सीमा और कमला को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। तभी वो देखती है कि गांव के कुछ लोग हाथ में कपड़े लेके इस्त्री कराने को जा रहे होते हैं, पर इस्त्री वाली कहीं गई होती है। ये सब देखकर दादी क्यों ना हम इस्त्री का काम शुरू करते, काश हमारे पास इस्त्री होती। ये कहते ही कमला और सीमा देखती है कि दोनों के पास इस्त्री आ जाती है। दोनों बहुत हैरान हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। तभी सीमा कहती है, दादी इस्त्री तो आ गया पर हम इस्त्री करेंगे कहाँ, काश हमारे पास एक घर भी होता। ये कहते ही सामने एक घर आ जाता है जिसे देखकर दोनों हैरान हो जाती है। तभी कमला की नज़र उस आलू नाव पर पड़ती है जिसे देखकर, कहीं ये इस आलू नाव का कमाल तो नहीं, कहीं ये जादुई तो नहीं। हाँ दादी आप ठीक कह रहे हो, ये सब इसी का कमाल है। दादी अब हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, हम इस जादुई आलू नाव से बहुत 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 पैसे मांगते हैं। सीमा की बात सुनकर, बेटी मैंने तुम्हें मेहनत करना सिखाया है ना, हमें इस जादुई आलू नाव से रहने को घर और काम करने की स्त्री मिल गया है, यही बहुत है। अब हम दोनों मेहनत करके अपना पेट भरेंगे। उसके बाद दोनों गांव में घूम घूम कर कपड़े लाती है और उन्हें इस्त्री करके पैसे कमाने लगती है। दोनों के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे होते हैं। उधर रमेश जब काम से लौटता है तो अपनी माँ और बेटी को ना देखकर, अनामिका माँ और सीमा कहाँ है? पता नहीं जी, माँ जी को क्या हो गया था, वो हमेशा मुझसे लड़ती रहती थी और सीमा को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया था और एक दिन पता नहीं दोनों कहाँ चले गए। उधर सीमा और कमला दोनों खूब मेहनत करने लगती है। वो जादुई आलू नाव से गरीबों की मदद भी करती है। पूरे गांव में दोनों को सब खूब प्यार और सम्मान करते हैं। उधर रमेश अपनी बेटी और माँ की याद में बीमार रहने लगता है। अब अनामिका भी रमेश के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है और एक दिन वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, दादी पता नहीं मुझे पिताजी की बहुत याद आ रही है, चलो ना एक बार अपने गांव चलकर उन्हें देखते हैं। बेटी पता नहीं तेरे पिताजी को हम याद है भी या नहीं, कोई बात नहीं अगर तेरा मन है तो एक बार चलकर देख लेते हैं। उसके बाद दोनों अपने गांव के लिए निकल जाती है। गांव पहुंचकर दोनों देखती है कि पूरे गांव में बाढ़ आ रखी होती है। गांव वाले मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। ये सब देखकर, दादी यहाँ तो बाढ़ आ रखी है, हमें इन सबकी मदद करनी चाहिए। बेटी तू जादुई आलू नाव निकाल कर उसमें सारे गांव वालों को बिठा ले, जादुई आलू नाव में सब सुरक्षित रहेंगे। सीमा जादुई आलू को निकालती है और लोगों की मदद करने को कहती है। जादुई आलू नाव देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है, उसमें गांव के सारे लोग आ जाते हैं। तभी जादुई नाव रमेश के घर के पास पहुंचती है। सीमा भागकर अंदर जाती है तो देखती है कि उसके पिता बीमार खाट पर पड़े होते हैं। वो जल्दी से उन्हें भी जादुई आलू नाव पर बिठाती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में बाढ़ कम हो जाती है, सबकी जान बच जाती है। ये सब देखकर, सीमा बेटी आज तूने पूरे गांव की जान बचा ली। ये सब सुनकर, बेटी हमारी जान तो बच गई पर हमारे घर और सारा सामान बाढ़ में बह गया, अब हम क्या खाएंगे। ये सब सुनते ही सीमा जादुई आलू नाव को सब पहले जैसे करने को कह देती है। उसका ऐसा कहते ही सब पहले जैसे हो जाता है और सारे गांव वाले कमला और सीमा को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद सीमा और कमला रमेश को सारी बातें बताती हैं। ये सब सुनकर, माँ ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, अगर मैं अनामिका से शादी नहीं करता तो ये सब नहीं होता। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ उसे अब जाने दो, आखिर अब तो हम सब साथ में ही हैं। अरविंद भैया दरवाजा खोलो, जल्दी उठो भैया। अरे धीरज वो भी इतनी रात को, बात क्या है? भैया आसमान से आफत बरस रही है, पूरी बस्ती में पानी भर गया है, सब बर्बाद हो गया, सबकी जान आफत में है भैया। अरे तो तुम ऐसा करो सबको यहाँ ले आओ, ये जगह बस्ती से काफी ऊंचाई पर है, अब जल्दी जाओ तब तक मैं सबके रहने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर धीरज वहाँ से चला गया। अरविंद एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था।
वो उसी पहाड़ी के ठीक नीचे बसी थी। कई साल पहले अरविंद भी उसी बस्ती में रहा करता था, लेकिन फिर दूसरी बिरादरी की लड़की से शादी करने की वजह से बस्ती वालों ने वहां उसे रहने नहीं दिया। मजबूर होकर अरविंद को सबसे दूर उस पहाड़ी पर रहना पड़ा। लेकिन जब बस्ती वालों पर भयंकर बारिश मुसीबत बनकर बरसी तो उसने एक पल भी नहीं सोचा और फौरन उन सबकी मदद के लिए तैयार हो गया। आखिर जरूरत क्या है इतना महान बनने की? ये वही बस्ती वाले हैं जिन्हें एक पल नहीं लगा तुमसे नाता तोड़ने में। अब जब खुद पर मुसीबत आई है तो कैसे बेशर्म की तरह चले आए हैं यहाँ? ऐसा मत कहो, हमें उनकी मदद ही करनी चाहिए। पर उनकी मदद करोगे कैसे? विशाखा, तुम बस अपना मन मजबूत रखो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। इतना कहकर अरविंद बाहर निकल गया और अपनी झोपड़ी के बाहर जंगली झाड़ियों में से एक छत बनाने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में बस्ती के सभी लोग वहां पर आ गए और अरविंद की मदद से उन सभी को सिर छिपाने की जगह मिल गई। हालांकि इतनी मदद काफी नहीं थी, बारिश एक पल के लिए भी नहीं रुकी और देखते ही देखते पूरी बस्ती पानी के साथ बह गई। ऊंची पहाड़ी पर सिर्फ अरविंद की झोपड़ी ही सही सलामत थी। विशाखा, बाहर सबका भूख से बुरा हाल है, अब चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मिलकर सबके लिए कुछ पका लेते हैं। क्या पकड़ोगे चूल्हे पर चढ़ाने के लिए? कुछ होना भी तो चाहिए। ये देखो, बस एक लाल भुट्टा रखा है जो हमारे लिए भी काफी नहीं है। और तो और, न जाने क्यों ये लाल हो गया है। अब क्या होगा? उदास होकर अरविंद अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान को हाथ जोड़कर याद करने लग गया। भैया परेशान ना हो, बस ये बारिश थम जाए फिर सब अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। नहीं धीरज, ऐसा मत कहो, तुम सब जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। दुख तो इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम सब भूखे हो और मेरे पास राशन के नाम पर बस एक लाल भुट्टा ही है। कोई बात नहीं विष्णु भैया, तुम दिल छोटा मत करो, तुमने हमें आश्रय दिया ये क्या कम बड़ी बात है भैया, और भगवान ने चाहा तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। धीरज की बातों ने अरविंद को बड़ी हिम्मत दी और वो उस पर लाल भुट्टे को देखते हुए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। सुनो जी, राजू भूख के मारे रोए जा रहा है, लाओ वो लाल भुट्टा मुझे दे दो, मुझे कम से कम अपनी औलाद के साथ कुछ बच्चों का पेट तो भर लेने दो। लाल भुट्टे को आग में सेंकते ही उसकी खुशबू हर तरफ महकने लगी, जिसने बाहर बैठे सभी लोगों की भूख और बढ़ा दी। बहन, तुमने कुछ पकाया है क्या? बहन, तुम थोड़ा सा खाना मुझे दे दो, मेरी बूढ़ी माँ ने तो 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। वहाँ पर हर किसी को अपने परिवार के लिए खाना चाहिए था। उनकी ये सब बातें सुनकर विशाखा का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही लाल भुट्टे की तरफ देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे ये कैसे? अच्छा सुनते हो, यहाँ आओ तो जल्दी। क्या हुआ विशाखा? ये देखो, राजू के साथ साथ सभी बच्चों ने पेट भर के लाल भुट्टा खाया और फिर भी इसमें एक दाना भी कम नहीं हुआ। विशाखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अरविंद सब समझ गया था। उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, बस अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें ताकि मुसीबत की इस घड़ी में मैं सबके काम आ सकूं। इसके बाद अरविंद ने वही किया जो वो करना चाहता था। उसने सभी बस्ती वालों को पेट भर जादुई लाल भुट्टा खिलाया। इसके बावजूद जादुई लाल भुट्टा जरा भी खाली नहीं हुआ। इसी तरह कई दिनों तक सबका गुजारा चलता रहा और फिर आखिरकार बारिश थम गई और सभी लोग अरविंद को शुक्रिया कहकर वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसे हो रहा था, लेकिन अरविंद के लिए अब काफी कुछ बदल चुका था। अब वो दोनों मिलकर उस जादुई लाल भुट्टे से जरूरतमंदों की मदद करने लगे और ऐसा करने से उनके घर में भी खूब बरकत होने लगी। बात चाहे खेती की हो या फिर फसल बेचकर होने वाली कमाई की, अरविंद अब दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उसकी ये तरक्की हर किसी को रास नहीं आ रही थी। क्या बात है धीरज, ऐसा मुंह फुलाकर क्यों बैठा हो? क्या करूं मैं, रात दिन भगवान की पूजा की मैंने, फल उस अरविंद को मिल रहा है। देखो ना, उस जादुई लाल भुट्टे के दम पर कैसे धनवान हुआ जा रहा है। लेकिन अब बस मैं ये सब और नहीं देख सकता।
वैसे तो सामने से धीरज हमेशा अरविंद को अपना भाई जैसा ही मानता था, लेकिन असल में ये सब बस एक दिखावा ही था। उसे अरविंद की तरक्की और हर तरफ होती तारीफ से बड़ी जलन हो रही थी, जिसके चलते आखिरकार उसने उस जादुई लाल भुट्टे को चुराने का फैसला कर लिया। एक रात वो दबे पांव अरविंद के घर में घुसा और चुपचाप उस लाल भुट्टे को ही अपने साथ ले जाने लगा, लेकिन वो उस बर्तन को घर से बाहर ले जा पाता उससे पहले ही वो उसके हाथों से छूट गया। लाल भुट्टा के गिरने की आवाज से अरविंद और विशाखा की आंख खुल गई और ये देखकर धीरज बुरी तरह घबरा गया और तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। विशाखा, क्या हुआ? कैसी आवाज थी वो? पता नहीं जी, यहाँ तो सब ठीक ठाक है। अच्छा, और जरा एक बार जादुई लाल भुट्टे को देखना। देखो, भुट्टा तो है ना? हाँ, यहाँ तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल पहले की तरह। विशाखा की बात सुनकर अरविंद ने एक बार फिर सर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और फिर वो दोनों चैन की नींद से सो गए।